पीकेएल में यूपी योद्धाज का सफर सीजन 5 में शुरू हुआ, लेकिन कभी भी उनके हाथ ट्रॉफी नहीं आई। लगातार प्लेऑफ में पहुंचने के बावजूद यूपी योद्धाज की टीम प्लेऑफ में बाहर हो जाती है, लेकिन इस सीजन कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार यूपी योद्धाज की टीम पूरी रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल के भरोसे पे ही मैट पे उतरेगी, क्योंकि रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल कुछ अलग अंदाज में सीजन 10 में उतरने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले भी प्रदीप नरवाल ने 3 टाइटल पटना पायरेट्स को दिला दिए हैं, लेकिन अब प्रदीप को यूपी को भी टाइटल दिलाना होगा, जिसके ख्याल में प्रदीप लगातार प्रैक्टिस रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल का आगाज सीजन 2 में हुआ था, लेकिन बेंगलुरु बुल्स के लिए एक ही मुकाबला खेल सके, जहां उसके बाद रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल को मौका ही नहीं मिला। लेकिन किसको पता था कि मनप्रीत सिंह प्रदीप नरवाल को सीजन 3 में एक बार फिर पटना में लाएंगे और उसके बाद प्रदीप और कबड्डी का अलग रंग प्रदीप ने कबड्डी को दिखाया, जहां प्रदीप नरवाल ने लगातार हैट्रिक टाइटल पटना को दिलाए। प्रदीप ने सीजन 3 और 4 में मनप्रीत और राजेश मंडल स्ट्राइक रेडर थे, लेकिन सीजन 5 में राम मेहर सिंह ने प्रदीप के कंधों पर ही मुकाबले पूरे डाल दिए, जहां स्ट्राइक रेडर प्रदीप नरवाल को ही बना डाला और प्रदीप नरवाल ने कमाल दिखाया और 5वीं तीसरी बार अपनी टीम को टाइटल दिला दिया। और अब की बार प्रदीप नरवाल फिर से यूपी योद्धाज की तरफ खेलने वाले हैं। उम्मीद है कि इस सीजन में प्रदीप नरवाल अलग से ही दिखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस में प्रदीप नरवाल अच्छी तरीके से खेल रहे हैं, जहां प्रैक्टिस में प्रदीप अपना वजन के साथ साथ शानदार तरीके से स्किल भी कर रहे हैं। इससे पहले प्रदीप ने इतनी ट्रेनिंग कभी भी नहीं ली थी। प्रदीप अपनी स्पीड और स्किल पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि उनकी स्किल सबसे बड़ी स्किल डुबकी है, लेकिन अब की बार प्रदीप डुबकी से भी अलग कुछ स्किल दिखाने वाले हैं। एक इंटरव्यू में प्रदीप नरवाल ने कहा कि इस बारी डुबकी नहीं बल्कि एक अलग ही स्किल होगी।